देश के बड़े 10 श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 26 नवंबर को नीमच जिले में भी कर्मचारी मजदूर संगठनों से जुड़े पदाधिकारी हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल इन संगठनों की मांग है कि सरकार द्वारा जिस तरह से शासकीय उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, श्रम विरोधी नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, किसान विरोधी कानूनों को पास किया जा रहा है, इन तमाम तरह की बातों को लेकर सेंट्रल ट्रेड यूनियन सीटू के साथ विभिन्न संगठन जो कि मजदूर किसान कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं इस हड़ताल में शामिल होंगे। इसमें राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी जो कि विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं शामिल होंगे और सरकार के विरोध में अपने हितों की बात करेंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले में भी केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी संविदा दैनिक वेतन भोगी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यदि शासन के द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। देखिए, देश की जो है 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियन जिसमें सीटू भी शामिल है, तो सीटू सहित ये जो जितनी बड़ी ट्रेड यूनियन ने कल राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंक, बीमा, BSNL सहित आंगनवाड़ी, आशा उषा, नल जल चालक ग्रामीण क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी और तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ और संभवतः बिजली कर्मचारी भी इस आंदोलन में शरीक रहेंगे और पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है। और ये हड़ताल जो हो रही है, सरकार जो लगातार मजदूर और कर्मचारियों और किसानों के विरोध में नीतियाँ बना रही है और उनकी नीतियाँ पूरी कारपोरेट घरानों की समर्थक नीतियाँ है। हाल ही में उन्होंने कृषि के खिलाफ 3 नए कानून पास किए हैं जिससे किसान गुलाम हो जाएंगे और यही स्थिति जो है मजदूरों के साथ भी की गई है। 3 ऐसे कोड पारित कर दिए गए हैं जो 45 श्रम कानून पहले थे मजदूरों की सुरक्षा के लिए, उनको ख़त्म करके 3 कोड कायम किए हैं और लगातार अंधाधुंध तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। योजना कर्मी जो आशा उषा, आंगनवाड़ी और नल जल चालक, प्रेरक, इन लोगों के साथ लगातार जो है इनका शोषण और अत्याचार हो रहा है इनके ऊपर और इनको बहुत ही अल्प मानदेय पे काम लिया जा रहा है 10-10, 12-12 घंटे। अभी हाल ही में जो COVID-19 में जिन लोगों को भर्ती किया गया था उन लोगों की भी सेवाएं 30 नवंबर को समाप्त की जा रही है। इसके पहले 5,000 अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर जो संविदा पर नियुक्त किए गए थे उनकी भी सेवाएं समाप्त की जा रही है। ऐसी तमाम मजदूर और कर्मचारी और किसान आम जनता विरोधी नीति लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, गरीब जनता बेहाल है। सरकार केवल कारपोरेट घराने, बड़े बड़े पूंजीपति, अडानी अंबानी के समर्थन में है, इसलिए इन तमाम नीतियों के खिलाफ ये हड़ताल की जा रही है। ये हड़ताल एक दिन की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल है, पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये तय मानिए कि उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।